नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं सही वर्तनी वाले शब्दों को। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हमारे एग्जाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में लगभग हर बार 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सही वर्तनी वाले शब्दों को मतलब आसानी से करने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले इसे अपने हाथ से लिखें। अगर हम जो हम अपने हाथ से लिखते हैं और जिसका उच्चारण करते हैं, अगर हम वो उच्चारण कर रहे हैं और उसको अपने हाथों से लिख रहे हैं यानी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमारा जो होता है वह शुद्ध वर्तनी में हो जाता है। नहीं तो अगर आप जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते रह गए तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है, पहला देखते हैं कि उज्ज्वल सही शब्द कैसे लिखा जाएगा। पहले तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और सबसे पहले जो मैं यहाँ पर आपको शब्द दे रही हूँ खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं, और फिर मेरे आंसर से आप उसे मिलाइए। तो ठीक है, उज्ज्वल सही कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप खुद से लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो उज्ज्वल इस प्रकार से उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जो सही शब्द है, उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी है वह कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार उज्ज्वल। इस प्रकार उज्ज्वल में जो होता है उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स उज्ज्वल में एक ज एक इसको बड़ा लिख देते हैं यानी कि इस प्रकार लिख देते हैं, लेकिन उज्ज्वल में दोनों ज जो होते हैं वह आधे होते हैं। जैसे उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत् प्लस ज्वल। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। कभी भी व्यंजन संधि में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए तो उसका जब हम संधि करते हैं तो उसका वह तृतीय अक्षर में बदल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, यानी कि दोनों ज आधे होंगे। इसका शुद्ध वर्तनी रूप दोनों ज आधे होंगे उज्ज्वल में, ठीक है। तो उज्ज्वल किस प्रकार लिखेंगे, तो ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है नक्षत्र। नक्षत्र किस प्रकार लिखेंगे, नक्षत्र, तो सबसे पहले आप सब खुद से इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ, ठीक है। नक्षत्र या फिर नक्षत्र, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप लोगों ने खुद से इसका आंसर लिखा होगा, तो नक्षत्र किस प्रकार लिखा जाता है, तो नक्षत्र जो है वह सही रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है नक्षत्र। सारे मैं जो ये भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में यहीं से आ जाए, तो आप लोग प्लीज़ इसका प्रैक्टिस कीजिए। नक्षत्र सही रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद हम इस और कुछ प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ और हमारे जो शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं जो हमारे शब्दकोश में उसी प्रकार से मिले लिखते हैं, तो ठीक है। पहला है कि श्रृंगार किस प्रकार लिखा जाएगा, इस ऐसे श्रृंगार या फिर श्रृंगार। तो किस सबसे पहले आप खुद से इसको लिखिए, इसके बाद हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो श्रृंगार जो है वह सही रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर जो है इसमें और इसमें डिफरेंट है कि यह श पूरा श्र है लेकिन यह श आधा श्र, तो श्रृंगार में आधा श्र होता है। कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार से श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। उसके बाद हमारा अगला है कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। तो पहले आप खुद से एक बार लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि ये सही रूप से कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सही रूप से लिखने का है कि हम इसका उच्चारण करें और फिर इसको लिखें, कुमुदनी और कुमुदनी। तो कैसे लिखा जाएगा सही, तो सही जो इसका उच्चारण है वह इस प्रकार से होता है। देखिए थोड़े थोड़े के लिए डिफरेंस है, कहीं इसमें बड़ा ऊ दे रहा है कहीं छोटा, तो कुमुदनी जो सही रूप से लिखा जाता है वह इस प्रकार से होता है, कुमुदनी यानी ज़्यादा म पे ना ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना ही क पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो कुमुदनी सही रूप से किस प्रकार से लिखा जाएगा, क पे आधा ऊ म पे आधा ऊ दी नी कुमुदनी।
ठीक है, श्रृंगार इस प्रकार से और कुमुदिनी इस प्रकार से सही वर्तनी शब्द है। ठीक है, जो भी मैं आपको प्रश्न करा रही हूँ, क्या पता कि इन्हीं में से कुछ शब्द आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। आशीर्वाद सही रूप से किस प्रकार लिखा जाता है? तो सबसे पहले आप खुद से इसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताने वाली हूँ। ऐसा आप लोग अगर चाहें तो एक अलग से जो भी शुद्ध वर्तनी सब लिखे जा रहे हैं उसके अलग से एक कॉपी पर उसको लिख ले, ताकि आप देखें तो आपको याद रहे कि ये सही रूप से क्यों लिखे जाते हैं। क्योंकि सारे देखने में एक ही प्रकार के शब्द लग रहे हैं, जिससे हम लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि ये सही रूप में कैसे लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर हो सके तो आप सब एक कॉपी में इसे नोट कर लीजिए कि जो भी मैं वर्ड लिखवा रही हूँ वो सही रूप से कैसे लिखे जाए, यानी उसके शुद्ध रूप कैसे लिखे जाते हैं। तो आशीर्वाद सही रूप से कैसे लिखा जाएगा, आप आई होप कि आप लोगों ने इसे अपने लिखा होगा, तो इसका आप सही देखते हैं। आशीर्वाद सबसे बड़ा है कि ये आशीर्वाद में जो ये छोटा श होता नहीं है, तो सबसे पहले ये दो ऑप्शन कट गया, यानी कि 50-50 का ऑप्शन हो गया हमारी केबीसी की तरह। तो अब इसमें देखना है कि आशीर्वाद यहाँ पे रहेगा या फिर आशीर्वाद में यह र जो है यह ऊपर रहेगा। तो हम लोग आशीर्वाद में र बोलते तो यहाँ पर है आशीर, यानी कि श में र बोल रहे हैं, लेकिन जो आशीर्वाद में र का जो रेफ होता है वह व पे आता है। तो आशीर्वाद सही रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद जो हमारी र का रेफ है वह व पे होता है। देखिए कैसे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद किस प्रकार से होगा, व पे हमारा ये र वाला रेफ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये है जिजीविषा। आप सब पहले इसे खुद से लिखिए एक बार, इसका सही उच्चारण करें जिससे कि आप इसका जो सही वर्तनी है वह लिख पाए। जिजीविषा या फिर जिजीविषा, ठीक है, आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा। तो इसे जिजीविषा को सही रूप में लिखा जाता है इस प्रकार, जिजीविषा कहते किसे है, तो जीने की चाह यानी कि जीने की इच्छा। जिजीविषा कहते किसे है, जीने की चाह या जीने की इच्छा। तो जिजीविषा सही वर्तनी रूप इस प्रकार से हो जाएगा, जिजीविषा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, प्लीज आप लोग इसे ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अपने और कुछ प्रश्नों को। तो नर्क कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने अपनी कॉपी में लिखने की इसे कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं बताती हूँ नरक सही रूप से कैसे लिखा जाता है। नरक ये सही वर्ड है ही नहीं, ये तो सबसे पहले गलत है, क्योंकि जो हमारा नरक बोल रहा है तो हमारा कप है सबसे पहले जाएगा। लेकिन देखिए ये भी सही वर्ड नहीं है। अब हमारा कन्फ्यूजन है इस वर्ड में नरक क्या, दोनों में से सही क्या होगा। तो ये जो है हमारा ये नरक है वह तत्सम रूप है, तत्सम और तद्भव मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा दिए हैं। तो नर्क तत्सम किसे कहते हैं और ये है तद्भव। तो तत्सम यानी कि जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव ये और ये दोनों सही लिखे गए हैं, लेकिन जब भी तत्सम और अगर मान लीजिए कि ये नर्क अगर तत्सम है शब्द और ये भी नर्क तत्सम है, तो वहाँ पर जो हमारे अगर सही वर्तनी वाले शब्द में हमेशा तद्भव के शब्द को ही सही माना जाएगा। अगर नर्क और ये नर्क दिया रहे आपके ऑप्शन में दोनों, अगर आप इस नर्क को मार कर आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये नर्क भी सही लिखा हुआ है, लेकिन हमारे एग्जामिनर या फिर हमारे जो भी है उसमें बोला गया है कि अगर तत्सम के शब्द हैं तो उसे बाद में रखा जाएगा, यानी उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन जो हमारे तद्भव के शब्द है उसको शुद्ध रूप में पहले माना जाएगा। तो हमारा ये नरक सही है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं ये दिखता है तो आपका सही वर्तनी शब्द यही हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों दिखता है तो हमारे तद्भव के शब्द ही सही वर्तनी वाले शब्द माने जाते हैं। सही वर्तनी वाले शब्दों में हमेशा तद्भव के शब्द को ही प्रायिकता यानी कि उसकी प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसमें नरक जो है ये सही है। ठीक है,
नरक इस प्रकार लिखा जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है सन्मुख। सन्मुख किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आज आप खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वर्तनी आप जितना लिखकर प्रैक्टिस करोगे, आपकी हाथें जितनी बैठेंगी तो उतना ही आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो सम्मुख जो है वह इस प्रकार, सम्मुख, सम्मुख, सन्मुख, तो सम्मुख जो है वह इस प्रकार से सही लिखा जाता है, सम्मुख, सम्मुख। हम हमेशा बोलने में सन्मुख बोल देते हैं, लेकिन सही वर्ड, सही शब्द, सही वर्तनी इस प्रकार से लिखा जाता है, सम्मुख। इसके बाद हम लोग कुछ और, इसके बाद कुछ और शब्द को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उसका सही वर्तनी होता है। देखते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ और हमारे जो शब्द हैं कि उसको सही वर्तनी रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमारा शब्द है कि कलेश। कलेश किस प्रकार से लिखा जाता है? तो कलेश, सबसे पहले आप लोग इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे लिखा जाएगा। कलेश क्या कहते हैं? जब हमारे परिवार में कुछ झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारी मनस्थिति होती है उसको बोलते हैं कि कलेश, बोलते हैं कि हमारे घर में कलेश हो गया। तो कलेश कैसे लिखा जाता है? कलेश, क्लेश, क्लेश या फिर कलेश। तो कलेश तो सही शब्द है, इसका सही वर्तनी होता है। हम देखिए, वर्तनी में तो शब्द हम जो बोलते हैं, लेकिन हमें उस जो हमारे शब्दकोश में दिया है हमको वो लिखना है, यानी इसका सही वर्तनी करना है, शुद्ध शब्द लिखना है। हम कलेश बोलते तो हैं, लेकिन लिखा जाता है क्लेश। क्लेश क्या लिखा जाता है? क्लेश। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड, ये शब्द जो है वो हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं, और हमेशा हम अक्सर ही गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कलेश बोलते हैं लेकिन हम लोग लिखते क्लेश है। ये शब्द इसीलिए हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि हम इसमें हमेशा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्लेश कैसे, कलेश कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग बोल कुछ रहे हैं लेकिन इसका सही वर्तनी में लिख कुछ रहे हैं। तो क्लेश इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद है भुलक्कड़। भुलक्कड़ किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग खुद से लिखने का इसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, तो ठीक है। भुलक्कड़ कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से, या ऐसे, या फिर भुलक्कड़, या फिर भुलक्कड़। तो सबसे पहले भुलक्कड़ जो है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सारे एक जैसे ही दिख रहा है। किसी में आधा क है, किसी में पूरा क है, या फिर किसी में बड़ा ऊ की मात्रा की कर दी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भुलक्कड़ जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है, आधा ऊ और आधा क, फिर पूरा क, फिर लक्कड़, ठीक है, भुलक्कड़, ठीक है। देख लीजिए, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग एक अलग इसको कॉपी पे जो भी सही वर्तनी के शब्द है उसको नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग एक बार फिर से देखें तो आपको आपको याद रहे, क्योंकि ये सब अक्सर अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं वही शब्द करा रही हूँ ताकि आपसे आपकी इससे प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। इसके बाद कुछ और शब्दों को देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रश्नों को। हमारा ये प्रश्न है कि सदुपदेश किस प्रकार से सही वर्तनी, यानी कि शुद्ध रूप से किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सदुपदेश, ठीक है, पहले आप लोग खुद से लिखने की एक बार कोशिश कर लीजिए, उसके बाद मैं आप सबको बताती हूँ। सदुपदेश, सदेश, सदेपदेश, सदोपदेश, सदुपदेश, ठीक है, ये से भी हो गया है, बड़ा कर दीजिए। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सद प्लस उपदेश, ठीक है। सदुपदेश कैसे लिखेंगे? सद प्लस उपदेश, तो सदुपदेश इस प्रकार से लिखा जाता है, सदुपदेश, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको आज क्वेश्चन कराया उसको जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।